नमस्कार दर्शकों, बंधन समाचार में मैं हूं आपके साथ ऋचा वर्मा। खबर जिला बिजनौर के धामपुर से है, जहां नेहट और धामपुर मार्ग पर विवाह मंडप में डीजे पर डांस को लेकर हुई कहासुनी में दो पक्षों में विवाद हो गया। विवाद इतना बड़ा कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष को जान से मारने की धमकी भी दे डाली। बारात से वापस पहुंचने पर गांव में धमकी देने वाले युवक पर फायरिंग कर दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। दरअसल आपको बता दें, कोतवाली क्षेत्र के ग्राम मटोरा मान निवासी सचिन कुमार पुत्र राजेंद्र सिंह अपने चचेरे भाई के विवाह समारोह में शामिल होने के लिए थामपुर नेटोर मार्ग स्थित सुमंगला फार्म हाउस में आए हुए थे। डीजे पर डांस को लेकर अनुज पुत्र घसीटा वे अनिल आशु और लक्की से विवाद हो गया। विवाद इतना बड़ा कि उन चारों युवकों ने सचिन को जान से मारने की धमकी दी। जैसे ही वह विवाह समारोह के बाद गांव पहुंचा तो पहले से घात लगाए बैठे चारों युवकों ने उस पर तमंचे से फायर झोंक दिया, जिससे सचिन गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल सचिन को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां पर चिकित्सकों ने उसकी हालत को चिंताजनक देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और चारों आरोपियों को हिरासत में ले लिया। गंभीर रूप से घायल के भाई गौरव कुमार पुत्र राजेंद्र सिंह ने चारों आरोपियों के खिलाफ थाने में तहरीर देकर कानूनी कार्रवाई की मांग की और बताया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौरव है। अच्छा, आज सुबह सुबह थाने पर खड़े, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला ये कि रात को मेरे चाचा की लड़की की बारात आई थी यहाँ सुमंगलम में, और यहाँ पर के जो बारात आई थी उसमें हमारे गांव से भी कुछ लोग आ रखे थे। बारात कहाँ से आई थी? मटोरामान से। तो रात को क्या हुआ, आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ, थोड़ा दारू भी रखी थी उन लोगों ने। लड़ाई झगड़ा करने के बाद वो लोग यहाँ सोल्व कर दिया, उसके बाद वो चले गए। उसके बाद जाने के बाद मेरा भाई घर गया था, बारात चढ़ने उड़ने के बाद जयमाला होने के बाद वो घर चले गए। आने के बाद उसकी टांग में गोली मार दी उन चारों ने। एक का नाम अनिल है, एक का नाम आशु, एक का नाम अनुज है और एक का नाम लक्की है। ग्राम मटोरामान के हैं। गोली मारने वाले कौन से पक्ष के थे? गोली मारने वाले जाट थे। नहीं, बारात में थे या लड़की? हाँ, बारात में आए थे, वो भी गाँव के थे। अब क्या चाहते हैं आप? बस उस पर कार्रवाई हो, वो गोली कहीं और भी लग सकती थी। कंडीशन कैसी है? कंडीशन तो अभी सीरियस ही है, अभी बिजनौर भर्ती कर रखा है, मेरठ रेफर करने के लिए बोल रहे हैं। मैं क्षेत्राधिकारी धामपुर जनपद बिजनौर अवगत कराना है कि दिनांक 14/7/2024 की सुबह लगभग 3 बजे थाना धामपुर पर सूचना प्राप्त हुई कि कस्बा धामपुर के एक गेस्ट हाउस में शादी में डीजे पर दो पक्षों की कहासुनी हो गई है, जिसके चलते शादी से लौटते वक्त ग्राम मटोरा मान में इन दोनों पक्षों के बीच मारपीट हो गई। वादी द्वारा बताया गया कि मारपीट के मध्य दूसरे पक्ष के एक व्यक्ति ने उसके भाई की जांघ में गोली मार दी। स्थानीय पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। मजरूह उपचाराधीन है, जिसकी स्थिति सामान्य है। तहरीर प्राप्त कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। समस्त बिंदुओं पर जांच प्रचलित है। और इसी के साथ जुड़ रहे बंधन समाचार के साथ।